तो गाइज ये जो टेक्निकल सॉल्यूशन एक्सवाइजेड चैनल है ये अब कुछ ही दिनों का है गाइज, क्योंकि YouTube ने मेरे चैनल पर जो है कमिटी गाइडलाइंस लिख दिया। सिर्फ आप लोगों की हेल्प में कर रहा था और आप लोगों की हेल्प करने का मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। YouTube ने मतलब कमिटी गाइडलाइंस का मुझे जो है ठप्पा ठोक दिया, आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, और एक मेल भी किया है। मैं आपको यहाँ पर साइड में दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। अब गाइज यूट्यूब मतलब किसी को कोई हेल्प कर रहा है, मतलब आप लोगों के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं आपको सब्सक्राइबर दे रहा हूँ और लाइव स्ट्रीम को भी रिमूव कर दिया है, और उसके बाद ये मुझे मेल भी आया है और डैशबोर्ड पर भी यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको जो है दिखा देता हूँ। ये देखो आप साइड में यहाँ पर देखो तो जो है ईमेल आया है, यूट्यूब रिमूव योर कंटेंट, यूट्यूब ने मेरी लाइव स्ट्रीम को यहाँ पर रिमूव कर दिया। हाय सुरेश, वी आर लेट योर नाउ स्ट्रीम और रिव्यू योर कंटेंट एंड वी दिक इस वॉल्यूशन योर स्पैम डिटेव और प्रोडक्शन एंड स्कैम पॉलिसी। यूट्यूब बोल रहे हैं आप लाइव स्ट्रीम में स्कैम कर रहे हो। ठीक है, अब ये स्कैम क्या होता है मैं आपको आगे बताऊँगा, और ये मेरे चैनल को रिमूव क्यों किया है वीडियो को भी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, अब ये यूट्यूब ऐसा क्यों कर रहा है गाइस, क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि मैं आप लोगों की हेल्प ही कर रहा था, आपको सब्सक्राइबर दे रहा था। अभी कुछ बंदे के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो मैं आपको सब्सक्राइबर दे रहा था, जिसका जो है वॉच टाइम कंप्लीट करवाना है तो उसको मैं एक्टिव सब्सक्राइबर दे रहा था। ठीक है, अच्छे से चल रही थी लाइव स्ट्रीम, लेकिन अचानक यूट्यूब ने भी इसमें बाधा डाल दी। ठीक है, कमिटी गाइडलाइंस यहाँ पर दे दी, लेकिन 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 गाइस अभी यूट्यूब ने मेरे से माफ़ी मांगी है। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब ने मेरे से वापस माफ़ी मांगी है, क्योंकि ऐसे हार नहीं मानने वाला मैं भाई। ठीक है, आप लोगों की मदद करना मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, सीधी बात है, यूट्यूब ने मेरे से माफ़ी मांगी है, भाई सुरेश हमसे गलती हो गई, और मैंने बोला अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार होगी चलो माफ़ करता हूँ, लेकिन मैं हेल्प करना नहीं छोड़ूंगा। गाइस क्या हुआ कि मैं जब लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो उस टाइम में आपका लिंक, एक बंदे का यहाँ पर सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, वो लिंक हटा के दूसरे के पिन कर रहा था, दूसरी डाल रहा था, इसलिए YouTube को लगा कि यहाँ पर सब्सक्राइबर का स्पैम हो रहा है। ठीक है, सब्सक्राइबर का स्पैम हो रहा है, इसलिए YouTube ने मैं रिमूव कर दिया। और अभी यहाँ पर साइड में देखो, आपको किस तरीके से करना है रिमूव, अगर हो जाते तो यहाँ पर आप बार बार अगर गलती करते हो तो आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर देखिए, अब आप साइड में देखिए, सुरेश बेनीवाल यानी मेरा नाम बोल रहा है, वी हैव रीच योर अप्लाई। ठीक है, मैंने जो अप्लाई किया था उसको वापस रिप्लाई दे रहा है यूट्यूब टीम। हाय सुरेश, वी रिमूव योर अपील फॉर रिव्यू योर अपील फॉर फॉलोइंग ये वन के सब्सक्राइबर वाला लाइव स्ट्रीम का, और आफ्टर टेकिंग अनदर लुक वी कैन कन्फर्म देर वॉज कंटेंट इज नॉट वॉल्यूशन कमिटी गाइडलाइंस। मतलब ये जो आपका कंटेंट है ये कमिटी गाइडलाइंस के यहाँ पर वॉल्यूशन नहीं कर रहा है, हमसे गलती हो गई सुरेश भाई, और हमने गलती से यहाँ पर कर दिया है, आपसे माफ़ी मांगते हैं, और इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है, डज नॉट इंफेयर योर कंटेंट और थैंक यू, इस तरीके से लिखा है, तो मैंने भी इनको माफ़ कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताना जरूरी, क्योंकि कभी भी आपका यहाँ पर हो जाता है रिमूव तो आप अगर नहीं करते हो तो आपका वो कंटेंट भी चला जाता है, और प्लस आप उसको सुधारेंगे नहीं तो अगली बार से अगर आपका रिमूव होगा तो आपको यहाँ पर वार्निंग स्ट्राइक पड़ेगी तो आपको फिर से कमिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक पड़ेगी, और ज़्यादा बार अगर आप करते हो तो आपका चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, और मुझे यूट्यूब से बात करनी आई थी और इसलिए मैंने यूट्यूब से बात करके यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया है, लेकिन आपको किस तरीके से करना है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। नया तरीका आ चुका है गाइस, यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर लगा के मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सो गई, अब यहाँ पर आप साइड में देखिए इस तरीके से मेरे YouTube चैनल पर ये आया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कमिटी गाइडलाइंस रिमूव योर, ये आपकी लाइव स्ट्रीम को रिमूव कर दिया। अब देखो इस प्रकार से, और यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इफ़ यू डर अपील, यहाँ पर आप अपील कर सकते हो, तो आपको क्या करना है अपील वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अपील वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ा लोडिंग लेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपको किस तरीके से काम करना है वो मैं आपको बता। लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है इंटरफेस आएगा, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों माई एन इट विथ योर कंटेंट यह सब उस लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे रिव्यू का ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन जो है यहाँ पर स्टेप दिखाई देंगे, ये आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे वरना आपका नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखो टेक योर लुक एट कंटेंट ब्रिंग योर पॉलिसी इज माइंड और वॉट लुक आप यहाँ पर रिव्यू में भेजना चाहते हो, तो ऊपर आपको नीचे यहाँ पर नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। नीचे आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे और उस पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, आई डोंट वांट अप्लाई, यहां पर मैं अप्लाई नहीं करना चाहता, आई वांट अप्लाई रिव्यूइंग द माय कंटेंट इज दैट नो मिस्टेक समथिंग, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है, मेरे कंटेंट को आप चेक करो, तो इस पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। और इस पर आपको क्लिक करने के बाद
ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पर नीचे हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार का आपको यहाँ पर रिव्यू में चला जाएगा, ठीक है। क्लिक जैसे ही करोगे उसके बाद आपका क्या करेगा, यहाँ पर रिव्यू के अंदर चला जाएगा और वापस आप इस पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करने जाएंगे, ठीक है, वापस आप इस पर जैसे ही क्लिक करके जाएंगे तो वहाँ पर आपका बता देगा आपका जो कंटेंट है वो अभी तक रिव्यू में चल रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अप्लाई नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपका जो है रिव्यू में चला जाएगा कंटेंट, और इस पर जाने के बाद आपके सामने ये मेल आ जाएगा, भाई आपका अगर कंटेंट अच्छा रहा, उसमें आपने कुछ भी नहीं किया तो आपका कंटेंट अच्छा होगा, तो आपको वापस कंटेंट जो दे दिया जाएगा, जैसे कि मेरी लास्ट टाइम को यूट्यूब ने वापस दे दिया है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो दोस्तों, अगर आपने कोई भी मिस्टेक नहीं किया, यूट्यूब से गलती हुई है, तो आप इस तरीके से अपना कर सकते हो। अगर आपने गलती की है तो उसके बाद अगर आपका नहीं हो रहा है आपसे और आपने कुछ भी गलती नहीं किया, तो जैसे इंस्टाग्राम लिंक है उस पर मुझे डीएम करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो, और इस तरीके से आपको बात करनी है दोस्तों, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे कि YouTube ने मुझसे माफ़ी मांगी है, इस तरीके से आपसे भी मांग लेगा अगर आपने कोई भी गलती नहीं की है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। साथ ही हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। मैं बोलता हूँ आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।